अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊं कि आजकल लोग कहते हैं कि लो कार्ब फूड खानी है, एक ऐसी फूड खानी है जिससे आपका शुगर लेवल ना बढ़े, एक ऐसी फूड खानी है जो आपको मिनरल भी दे, विटामिन्स भी दे, जो कि आपका 4-5 घंटे तक आपका पेट भी भर दे। वो कौन सी फूड है? सिर्फ 2 चम्मच वो आपने फूड लेनी है और उस 2 चम्मच का वज़न कितना है? 28 ग्राम। उस 28 ग्राम के अंदर 12 ग्राम फाइबर है, फाइबर जो इनसॉल्युबल है, जिसने आपको 0 कैलोरी देनी है। उसके अंदर 9 ग्राम हेल्दी जो आपके अंदर फैट्स हैं, जिसके अंदर 5 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, 5 ग्राम उसके अंदर प्रोटीन है। कैलोरीज भी आपको स्टार से नहीं मिल रही, आपको फैट से और प्रोटीन से मिल रही है, जो कि हेल्दी कैलोरीज हैं। इसने 10 गुना पानी एब्जॉर्ब करके तकरीबन 300 ग्राम एक जेल अपने पेट के अंदर बना देनी है। पेट आपका फुल हो जाना है, भूख ख़त्म, आपकी जो खाने की ख्वाहिश है वो कम से कम 4 घंटे के लिए ख़त्म हो गई। शुगर लेवल आपका बिल्कुल राइज नहीं करना, क्योंकि आप कैलोरी नहीं ली आपने, हेल्दी कैलोरी है। उसके अंदर आपको मिनरल्स भी मिल गए, विटामिन्स भी मिल गए। उसके अंदर क्या क्या है, क्या कुछ उसके अंदर? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैगनीज है, और उसके अलावा उसके अंदर थोड़ा सा पोटेशियम भी मौजूद है, लेकिन विटामिन B1, B2, B6 मौजूद है। आपका वज़न भी कम हो जाना है, जो मोटापे का शिकार है वो उसके लिए बेहतरीन फूड है, जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए आइडियल चीज़ है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है भाई? ऐसी वो चीज़ है कि पुराने ज़माने में रोम अम्पायर में जब जो फौजी थे, वॉरियर्स थे, वो जंग करने जाते थे, जो सबसे ज़्यादा बंदे मार के आता था तो उसको एक चिया सीड का इनाम में तोड़ा देते थे। ये चिया सीड दुनिया की सुपर फूड है, पकाने के झंझट ख़त्म, पकाने की ज़रूरत ही नहीं। रात को पानी में भगो दो, सुबह ऐसा खा लो, दूध में डालो, दही में डालो, थोड़े से नट्स डालो, आपका नाश्ता तैयार। विदाउट कार्ब्स, लो कार्ब, लो कैलोरी की एक बेहतरीन जो नाश्ता है। दोपहर में खा सकते हो सैलड के साथ, रात को दूध के साथ खा सकते हो, किसी टाइम भी खा सकते हो। अच्छा, अब ये जो चिया सीड है इसको कन्फ्यूज़ किया जाता है तुख्मे बालिगू, जिसे आमतौर पर तुख मलंगा कहते हैं। अब अगर घोड़े और गधे में कोई फ़र्क नहीं है तो इन दोनों में भी कोई फ़र्क नहीं है, अगर गंदम में और जौ में कोई फ़र्क नहीं है तो इनमें भी कोई फ़र्क नहीं है। भाई ये प्लांट्स ही अलग है, स्पीशीज़ अलग है, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों के सीड कदरे काले हैं, पानी में डालने से वो स्वेल कर जाते हैं और अब इसको शरबत के तौर पे पी सकते हो। सिर्फ ये कदरे मुश्तरक है, अदरवाइज़ तुख्मे बालिगू की अपनी मेडिसिन वैल्यू है, लेकिन जो इसकी सी मेडिसिन वैल्यू है उसके अंदर इतने ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं है, इतने मिनरल्स नहीं है जितने चिया के अंदर है। क्या चिया का कोई साइड इफ़ेक्ट भी है? ये 2 खाने वाले चम्मच से ज़्यादा आप लेते हैं तो फिर ये ब्लॉटिंग और इनडाइजेशन कर सकता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है, लेकिन 2 चम्मच इसकी खुराक एक दिन में है वो बिल्कुल सेफ है। एक अगला जो क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि चिया को उर्दू में क्या कहते हैं? भाई ये पुराने ज़माने की बातें हुआ करती थी कि जब आपके पास कोई भी चीज़ आती थी उसका आप लोकल नाम रखते थे। अब साल हर साल बीत गया, अब इतनी चीज़ें आती है लोगों ने नाम रखना छोड़ दिया है। मोबाइल उर्दू में भी मोबाइल है, कंप्यूटर उर्दू में भी कंप्यूटर है, तो चिया भी उर्दू में ही है, क्योंकि ये 7 साल पहले पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने इसको ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये पाकिस्तान में आम काश्त होता है, रबी की फसल है, आप इसे नवंबर में काश्त करते हो, मई में हार्वेस्ट करते हो, और 1 एकड़ से आपको 8 से 10 मन इसकी पैदावार आती है, और पाकिस्तान में अब इम्पोर्ट इसकी ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये एक्सपोर्ट के ऊपर जा रहा है। चिया मिलता कहाँ से है? अच्छे कैश एंड कैरी है, वहाँ इजीली अवेलेबल है, बाकी ऑनलाइन भी लोग सेल कर रहे हैं, तो चिया अब आसानी के साथ अवेलेबल है पाकिस्तान में। इससे अच्छी शायद ही कोई एक सिंपल फूड हो जिसको ना पकाना पड़ता है, ना कोई झंझट है, और अब वज़न कम करने के लिए हर किस्म का छोटे बड़े इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।